तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करे आरती श्रद्धा से हम गुरु प्रीति नाम। देवोत्थान एकादशी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी एवं देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देव शयन करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, चार माह उपरांत देवोत्थान एकादशी के दिन जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के चार मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्यों का आयोजन करना निषेध माना जाता है। उनके जागने के बाद ही देवोत्थान एकादशी से सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। मान्यता अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी जी और विष्णु जी का विवाह कराने की प्रथा है। तुलसी महाविवाह में तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति या शालिग्राम का पूर्ण वैदिक रूप से विवाह कराया जाता है। ये त्योहार दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन भक्तगण सूर्योदय से पूर्व उठ जाते हैं तथा स्नानादि कर स्वच्छ हो जाते हैं। इस दिन स्नान किसी पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल, नदी, सरोवर अथवा कुएं पर करने का विधान है। अन्यथा घर पर भी स्वच्छ जल से स्नान किया जा सकता है। स्नानादि के पश्चात निर्जला व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और संध्या काल में शालिग्राम रूप में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा किया जाता है। इस विवाह के बाद हिंदू धर्म में शुभ कार्य जैसे सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का देवी तुलसी से विवाह होने की परंपरा है। माना जाता है कि जो भक्त देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है, उसे कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। वहीं एकादशी व्रत को लेकर मान्यता है कि साल के सभी 24 एकादशी व्रत करने पर लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओगे। इसी श्राप की मुक्ति के लिए भगवान ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह कर लिया। वहीं तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। हालांकि कई लोग तुलसी विवाह एकादशी को करते हैं तो कहीं द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह होता है। ऐसे में एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का समय तुलसी विवाह के लिए तय किया गया है। मेरे तरफ से आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं।